सब्सक्राइब करें मेरे IQ माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। हेलो एवरीवन, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQMI चैनल में। So, as always, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके सामने। ब्लड प्रेशर की शिकायत के बारे में या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम ये कब सोचना शुरू करते हैं? जब हमारी एज 40 प्लस होने लग जाती है, मोस्टली तब। तो क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बच्चों को भी हो सकती है, इसके बारे में क्या हमने कभी सोचा है? जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों में भी हो सकती है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो उसको कैसे पहचाने, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। और ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग क्या होती है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे और इलाज के बारे में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी शुरुआत कब से हो सकती है? सो आई एम टेलिंग यू कि बहुत जस्ट फ्रॉम द बर्थ भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। बट ऐसे केसेस में तभी होती है जब बच्चा किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो या किसी चीज के लिए बच्चा एडमिट होता है, उसी टाइम पे कोई डायग्नोसिस बनती है कि कोई बच्चे को सीरियस प्रॉब्लम है और बच्चे का बीपी चेक किया जाता है तो वो बहुत हाई आता है। तो वो बहुत मेजर नहीं है, बहुत ही कम परसेंट बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है और वो मोस्टली डॉक्टर समझ जाते हैं क्योंकि बच्चा उनके पास पहुंच चुका होता है समहाउ किसी और चीज के लिए। सो जो भी बच्चे नर्सरी में एडमिट हुए हैं, पैदा होने के बाद नर्सरी में रहे हैं, किसी टाइप से बीमार हुए हैं, तो उन सब बच्चों का बीपी एक बार जरूर चेक होता है। तो डिस्चार्ज के टाइम आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का बीपी ठीक तो था, एक पॉइंट वहां पर हो गया, बट अगर हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, हमारे आसपास आ गया, तुरंत हमें मिल गया, हम बच्चे के पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं, तो क्या हमें ब्लड प्रेशर के बारे में सोचने की जरूरत है? एक कंडीशन में, अगर आपकी फैमिली में बीपी की प्रॉब्लम रन कर रही है, तो आपकी फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉब्लम रही है तो, और बोला गया है कि ये जेनेटिक है, आपके ग्रैंडफादर्स में थी, फिर फादर को भी थी, आपको भी है, या किसी को नहीं थी बट किसी को थी, बट फैमिली में रन कर रही है, तो फिर आप जरूर डॉक्टर से बोलेंगे, डॉक्टर साहब हमारे घर में बीपी की प्रॉब्लम है, तो एक बार बच्चे का ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, चेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर से पूछना क्यों जरूरी है? आप चाहें तो अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे का साइज छोटा है, तो बीपी जिससे नापते हैं, ब्लड प्रेशर का जो कफ होता है ना, वो बड़ों का तो एक होता है, ए सेम साइज होता है, लेकिन बच्चों में ये वेरी करता है क्योंकि बच्चे की जो आर्म है जहां पे मेजर करना है, उसकी थिकनेस के हिसाब से बच्चा कितना हेल्दी है, उसकी एज क्या है, तो वो अलग अलग कफ्स होते हैं हर एज ग्रुप के हिसाब से, तो वो डॉक्टर के पास, स्पेशली पीडियाट्रिशियंस के पास ही मिलते हैं, इसलिए वो हम डॉक्टर से ही पता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे हम बड़ों में जानते हैं 120-80, मोटा मोटी हमें ये पता है कि भाई वो नॉर्मल है, बट छोटे बच्चों के लिए अप्लाई नहीं होता। बच्चों का ब्लड प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, बच्चे की हाइट क्या है, वो बॉय है या गर्ल है, इससे बच्चे का जो वेट है, जो ब्लड प्रेशर है, वो वेरी करेगा, इसलिए हर टाइम पे ये अलग अलग होता है, इसीलिए हमें डॉक्टर से पूछना और उनसे मेजर करवाना जरूरी है। सो ये तब हो गया, बट आइडियली हम ये मानते हैं कि चलिए कोई इश्यू है तो हमने पहले भी चेक कर लिया, अदरवाइज हम नहीं कर रहे हैं, बट एट द एज ऑफ 3 ईयर्स हम ये रिकमेंड करते हैं कि हर बच्चे का 3 साल पर आने के बाद एक बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना बहुत जरूरी है। सो जब भी बच्चा 3 साल का एज क्रॉस कर ले, एक बार बच्चे का ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए, कहीं क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पहले से पता नहीं होती, पहली बार तब पता चलती है जब हम बच्चे का बीपी चेक करते हैं। 3 साल के बच्चे को कोई सिम्टम नहीं होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर में हाई है ये पता चल जाएगा क्योंकि शुरुआत वहां से हुई है, बट धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम भी डेवलप हो रही है। मोस्ट कॉमन रीजन जो होता है बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, वो किडनी से रिलेटेड होता है। अगर बच्चे को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपको पता है कि नहीं मेरे बच्चे को किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली डॉक्टर उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की बात जरूर बताएगा कि हमने बीपी भी चेक करके देखा है, बट समहाउ अगर आपको लगता है कि ये चीज मिस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो अगर आपके बच्चे को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंजनाइटल कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत छोटा बच्चा था, किडनी में सूजन आ गई थी, है ना, PUJ ऑब्स्ट्रक्शन की कोई बात कही हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कोई बात कही हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की कोई बात कही हो, कंजनाइटल किडनी से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स रही हो, तो फिर बच्चे को पीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो किडनी की आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो। वैसे बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हैं, देखिए ये बताने का यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको डॉक्टर्स हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग ही बताएंगे। तो ये कॉमन रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को बीपी की शिकायत हो सकती है। सेकेंड चीजें हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। ओबेसिटी बहुत कॉमन रीजन है, अगर बच्चा बहुत ओबीज है, बहुत मोटा है, तो उसको बीपी की शिकायत हो सकती है। जैसा कि बड़ों में भी होता है, वैसा ही बच्चों में हो सकता है कि बीपी बढ़ा हुआ हो। तो ब्लड प्रेशर की ट्रैकिंग रखना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि बॉर्डर लाइन चल रहा है, आपने 3 इयर्स पे चेक किया, डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा बॉर्डर लाइन हाई है, तो आपको ट्रैकिंग रखना जरूरी है। हर 6 महीने में, साल में 6-6 महीने में आपको बीपी चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर बॉर्डर लाइन क्रॉस करके थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो उसको आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें। क्योंकि जब बच्चों में बीपी की शिकायत होती है तो सिर्फ दवाई नहीं शुरू की जाती, उससे पहले ये जरूर देखा जाता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि बेसिकली एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कई सारे बड़े लोगों में पता चलता है, स्पेशली टीनेजर के बाद, 18 साल के बाद, कि भाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो है बट बाकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आ रहा, हार्ट ठीक है, किडनी ठीक है, ब्रेन ठीक है, लेकिन बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें कि हम कारण नहीं ढूंढ पाते, बस बीपी की प्रॉब्लम आती है और हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। बट छोटे बच्चे में ये चांसेस कम होते हैं। मोस्टली देखा गया है कि छोटे बच्चे में कोई ना कोई कारण जरूर पाया जाता है। कुछ परसेंट में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कारण ना मिले, फिर हम उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें कोई रीजन नहीं है लेकिन बीपी बढ़ा हुआ है और बीपी की दवाई चलती रहेगी। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाई की बात मैं क्यों कह रही हूँ, बड़े लोगों में तो डेफिनेटली हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात पहले करते हैं कि आप अपना वेट थोड़ा सा कम कर लीजिए, थोड़ा वॉक करिए, खाने में नमक कम कर दीजिए, क्योंकि इस चीजों से सुधार आ जाता है शुरुआती लेवल पर। लेकिन बच्चों के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतना आसान नहीं है, तो मेडिसिन स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि बीपी ऐसी चीज है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है तो वो रक्तचाप, जिसे हम रक्तचाप बोलते हैं, इसलिए ब्लड का प्रेशर, तो वो ब्लड में तो प्रेशर क्रिएट कर ही रहा है ना नॉर्मल से ज्यादा, तो वो अंदर की चीजों पे इफेक्ट करेगा, किडनी पे इफेक्ट करेगा, हार्ट पे इफेक्ट करेगा, ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। इसलिए अगर ऊपर से कुछ नहीं भी पता चल रहा है, सिर दर्द की शिकायत नहीं है, कमजोरी नहीं है, चक्कर नहीं है, आंखों के आगे अंधेरा नहीं छा रहा है, फिर भी वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं असर जरूर कर रहा है, इसलिए दवाई देनी जरूरी है ताकि वो अंदर के प्रेशर को नॉर्मल रखे, चाहे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो जो चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे जो बीमारी है, अगर वो हो गई है, हम उसे नहीं ठीक, मतलब जब तक वो बीमारी चल रही है, ठीक हो रही है, वो एक अलग चीज है। बट कुछ चीजें जैसे कि लाइफस्टाइल में, जो रूटीन में आगे चलकर के बीपी की प्रॉब्लम ना हो, इससे तो हम बच ही सकते हैं। इसके लिए देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बचपन से ही हो सकता है, कि हम शुरू से ही अपने बच्चों में ऐसी हैबिट्स डालें कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, जिसके लिए जरूरी है ओबेसिटी से हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं, मोटापे से हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं, अच्छा खाना दे करके, बाहर का जंक फूड अवॉइड करके, पैकेट फूड अवॉइड करके, घर में भी फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करके एक बैलेंस डाइट बच्चे को देंगे, तो बच्चा हमारा ओबेसिटी से बचेगा। डेली एक्टिविटी के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में और प्लेफुल एक्टिविटीज के बारे में बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, ताकि बच्चा पूरे दिन बैठे हुए सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना व्यतीत करे, मोबाइल्स और गेम्स में लगातार बच्चा ना घुसा रहे, तो ये एक ओबेसिटी को कम करने का हो गया। फिर डेफिनेटली अगर हम डाइट अपनी हेल्दी रखते हैं, सॉल्ट को कम रखते हैं, अच्छा घर का बना ताजा खाना खाते हैं, तो खाने को अच्छा हेल्दी रखने से भी हम ब्लड प्रेशर की चीज को कम कर सकते हैं। बाहर की चीजों में हमेशा तेल, मसाले और नमक की मात्रा ज्यादा होती है, वो भी बीपी को बढ़ाते हैं, तो उन चीजों को हम कम कर सकते हैं। तो दो चीजें हो गई भाई, अपने बच्चे को ऑब्वियसली जो हमेशा हमें वैसे भी फॉलो करना चाहिए, अगर हम वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपने बच्चे को फॉलो करवाते हैं, अच्छा खाना अपने बच्चे को हेल्दी खाना खिलाते हैं, तो बीपी की प्रॉब्लम जो आगे चल के हो सकती है उससे बचा सकते हैं। कोई भी अंदर की प्रॉब्लम, कंजनाइटल प्रॉब्लम या कोई डिजीज पता चलती है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराना है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, जब तक कि वो प्रॉब्लम रहती है तब तक बच्चे का बीपी ठीक बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सही टाइम पर हम इलाज कराते हैं, तो उसके साथ ही बीपी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है।
लेकिन जिसको एक बार ब्लड प्रेशर बन गया हो उसे बीच बीच में जरूर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि जिसको एक बार बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में आगे चल के दोबारा रहने के चांसेस बहुत कॉमनली होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में जरूर होना चाहिए कि बच्चों में भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आपको मौका लगे आप अपने बच्चे का ब्लड प्रेशर जरूर डॉक्टर से चेक करवाइए और डॉक्टर से पूछिए कि हमारे बच्चे की एज के हिसाब से उसका जो भी वो क्राइटेरिया वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये बीपी ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि वो बड़ों जितना नहीं होगा, 2 साल के बच्चे के लिए 100 बीपी भी ज्यादा हो सकता है ना। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 100 बीपी किस कब आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है किस एज पे आ रहा है। हमारे लिए वो ठीक हो सकता है लेकिन हमारे बच्चे के लिए वो ज्यादा हो सकता है। तो ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा इस एज का है, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे के एज के लिए हमारा जो ब्लड प्रेशर आया है वो ठीक है या नहीं ठीक है, कितने लेवल पे है। उस पे भी होता है कि ज्यादा तो कितना ज्यादा, बॉर्डरलाइन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो हमेशा हम कंट्रोल करने के दूसरे तरीके बताएंगे, लाइफस्टाइल ठीक करने के तरीके बताएंगे। अगर बहुत ज्यादा है तो तुरंत हमें बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, वो दवाइयां देनी होंगी। बच्चों की दवाइयों को देने का तरीका अलग होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ों से मैच करता है, बट डोज डिसाइड करनी पड़ती है। मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद मॉनिटरिंग जरूरी होती है, वो हमें सीखनी पड़ती है, या तो हम डॉक्टर से करवाएं या हम खुद सीख करके घर पर मॉनिटर करें। अब जिस बच्चे को बीपी की प्रॉब्लम आई है उसको डेफिनेटली एक बार शुगर भी जरूर चेक कराना चाहिए। जिस बच्चे को बीपी की प्रॉब्लम है वो दवाइयां खा रहा है, उसे अपने शुगर पे ध्यान देना होगा। बच्चे की आई चेकअप होनी जरूरी है, बच्चे का किडनी का चेकअप होना जरूरी है, बच्चे का हार्ट का चेकअप होना जरूरी है, ब्रेन का चेकअप होना जरूरी है कि ये सारी चीजें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और अगर बच्चे को बीपी की प्रॉब्लम बनी रहती है और बच्चा मेडिसिंस पे है तो रेगुलरली फॉलोअप कराते रहना पड़ेगा, और सारे बॉडी पार्ट्स का जो मैंने आपको बताया मेजरली किडनी हार्ट ब्रेन आईज इनका चेकअप कराते रहना होगा होल लाइफ जब तक कि बच्चा मेडिसिंस पर है। और कई बार ऐसा होता है कि ये दवाइयां शुरू होती हैं तो लाइफ टाइम खानी पड़ती हैं, तो उसे अपनी लाइफ का पार्ट बांध करके ट्रीटमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज की प्रिवेंशन, या तो ये प्रॉब्लम हो ही ना, है ना, तो प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमारे हाथ में जो है वो हम फॉलो करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत ट्रीटमेंट हमें करना है। क्या मॉडिफिकेशंस कुछ करने से अपनी लाइफस्टाइल में पॉसिबल है? अगर नहीं तो अगर मेडिसिंस खानी है तो कितनी खानी है, कैसे खानी है, बच्चे को किस तरह से देनी है, क्या याद रखना है, क्या क्या फॉलो करना है, ये सीखना हमें जरूरी है। तो अगर ये सारी चीजें हम टाइम से करेंगे, और इस सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का बीपी का चेकअप कराना जरूरी है। तो जब भी आपको मौका लगे अपने डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेकअप जरूर करवाइए, अपना, अपने बच्चों का, सबका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप आ सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए और मुझसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आना होगा आपको मेरी वेबसाइट पे ikmichild.com और वहां से बुक अपॉइंटमेंट करना होगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिए। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल ikmichild ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे ikmichild चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।